हूँ आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, काशीवासियों को किया संबोधित, देव दीपावली की देशवासियों को दी बधाई। वाराणसी को पीएम मोदी की सौगात, पीएम मोदी ने 6 लेन हाईवे का किया लोकार्पण, कहा अच्छी सुविधा और अच्छी हाईवे सेवा बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नए हाईवे हो या पुल फ्लाईओवर हो, जितना काम अभी हो रहा है आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के 5वें दिन का आंदोलन, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी, किसान दिल्ली सील करने की तैयारी में, पुलिस ने सिंधु टिकरी सीमा की बंद। प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। चित्रकूट में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, किसानों ने चित्रकूट के नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, भारी संख्या में मौजूद रही पुलिस बल के साथ किसानों की हुई नोकझोंक। कोरोना पर चर्चा के लिए सरकार ने 4 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में होंगे शामिल, कोरोना की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों को दिए निर्देश, कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट करने होंगे कम। लव जिहाद पर बहस हुई तेज, देश के 9 राज्यों में धर्म परिवर्तन रोकने का कानून, पाक में ऐसा करने पर हो सकती है उम्र कैद। फरुखाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से खुलेआम बिक रही शराब, डीएम ने एमएलसी चुनाव के चलते आज 1 दिसंबर तक शराब बिक्री पर लगाई थी रोक। माखी कांड के पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह माखी का निधन, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह के खिलाफ लड़ा था मुकदमा, 1 साल से बेड पर थे वकील, एम्स में चल रहा था इलाज। बरेली में नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का दूसरा मामला आया सामने, पुलिस ने लव जिहाद के तहत दर्ज की FIR। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सयारा के नवनिर्मित सर्किट हाउस समेत 51 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का दिखा कहर, ट्रक की टक्कर से तेज रफ्तार कार पलटी, कार सवार महिला समेत 2 लोग घायल। बागपत में देर रात युवक की गोली मारने से मचा हड़कंप, गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। बैंड बजाने वाले कलाकारों ने भगवा ड्रेस पहनकर किया मुख्यमंत्री का शुक्रिया, शादी विवाह में बैंड पर लगी पाबंदी हटने से कलाकारों में खुशी की लहर। सीतापुर में डीसीएम गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से लाखों का माल जलकर हुआ खाक, सूचना पर भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत और उनके समर्थकों की गुंडई आई सामने, निगोहा टोल प्लाजा पर रोजाना बिना टोल टैक्स दिए निकलने का बना रहे थे दबाव, मैनेजर के मना करने पर की जमकर पिटाई। कासगंज में पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमार कार्रवाई, पुलिस ने जुआ खेलते 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। संभल के राजघाट और सिसौना गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ जारी, देर शाम तक स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। COVID-19 के चलते वर्षों बाद मेले पर रहा प्रतिबंध, संभल के सिसौना में आयोजित होता है मिनी कुंभ कार्तिक मेला। कन्नौज में दहेज लोभी पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पीड़ित परिजनों ने आरोपी पति पर लगाए आए दिन दहेज मांगने का आरोप। बिजनौर में देर रात चोरों ने एक दुकान में चोरी की घटना को दिया अंजाम, चोरों ने दुकान में रखे 50 लाख रुपए की कीमत के मोबाइलों पर किया हाथ साफ, घटना के बाद पुलिस विभाग हड़कंप में। संभल में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक युवक की हुई मौत, युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम, हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।